आपको टाइटल से पता ही लग गया होगा, मैं आपको आज बताऊंगी अर्बेनिक से मैंने आज तक जो जो भी लिया है कैसा है, क्वालिटी कैसी है उसकी, क्लोथिंग मटेरियल कैसा आया हुआ है, एंड इज इट वर्थ इट और नॉट अकॉर्डिंग टू द प्राइस। तो लेट्स स्टार्ट। अर्बेनिक ऐसे पैकेज में अपना सामान डिलीवर करता है, इसको हम साइड रखते हैं। एंड इसके अंदर ये एक जिप लॉक बैग है, उसमें ये आता है, सभी ऑलमोस्ट सभी कपड़े इसी जिप लॉक बैग में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम जीन्स से। तो एक ब्लैक वाइड लेग जीन्स, नॉट वाइड लेग, स्ट्रेट लेग वाइड लेग काइंड ऑफ जीन्स है ये, जो कि बहुत नेसेसरी है आपके वार्डरोब में। ये मैंने अभी अभी मंगाई है, तभी इस पे टैग है, और वैसे तो इस पे MRP 1590 की है, बट ये आपको वेबसाइट पे दिख जाएगी लगभग 1200 की। बट डोंट वरी, जो भी मैं MRP वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे दिखा दूँगी, बट जितना यहाँ पे MRP दिखाया है मुझे ये उनसे कम में मिली है, बिकॉज अर्बेनिक पे बहुत कूपन्स होते हैं। अगर आप 1000 का मंगाओगे आपको 100 ऑफ मिलेगा, 2000 का मंगाओगे 250 ऑफ, 3000 का मंगाओगे समथिंग 450 समथिंग ऑफ। तो ऐसे ऐसे ऑफर्स में बहुत चलते हैं, एंड फर्स्ट यूजर्स को 20% ऑफ भी होता है। तो ये जीन्स मुझे लगभग 1000 रुपीज़ की पड़ी हुई है, आई थिंक 900 समथिंग की पड़ी है मुझे ये। नेक्स्ट मस्ट हैव जीन इज दिस डेनिम कलर जीन्स, जो कि सबके वार्डरोब में होनी ही चाहिए। एंड सबसे अच्छी बात, सबसे बेस्ट पार्ट है इसका ये बेस। मैं आपको फोटोज में दिखाऊंगी ये इसका बेस जो है कितना अच्छा लगता है, कितना लूज फिट लुक देता है। और ये भी स्ट्रेट लेग जीन्स है, और ये भी मुझे लगभग 1000 में पड़ी थी, और मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। एंड इसको आई थिंक मुझे लिए हुए लगभग साल होने वाला आई थिंक, और ये बहुत अच्छा फिट है एंड मस्ट हैव जीन है आपके कलेक्शन में, सो यू कैन गो फॉर इट। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट जीन्स है, बिकॉज चारकोल ग्रे कलर है, ये भी आपके वार्डरोब में होना चाहिए। और इसका नीचे से ये डिज़ाइन है, नीचे से इसका ये बहुत ही ट्रेंडी लुक देता है। स्ट्रेट लेग जीन्स है, बट नीचे से डिज़ाइन इसमें ऐसा है। अनदर मस्ट हैव जीन्स जो आपके कलेक्शन में होनी चाहिए वो है एक ऑफ वाइट काइंड ऑफ, वाइट भी हो सकती है बट ऑफ वाइट जीन्स आपके कलेक्शन में ज़रूर होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अर्बेनिक से ये वाली जीन्स भी मंगाई थी, और इसको लिए भी मुझे काफ़ी टाइम हुआ है, और इसका लुक अच्छा आता है, बट ऑनेस्टली मुझे इसका मटेरियल उतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा पतला मटेरियल है और इसमें थोड़ा बुर सा भी आ रहा है। ऑल इन ऑल मैं इसको 10 में से 7 मार्क्स दूंगी, क्योंकि लुक अच्छी आती है, अच्छा लगता है, बट कपड़ा थोड़ा सा पतला है इसका। आते हम टॉप्स एंड टी शर्ट पे, ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है, बैगी फिट टी शर्ट, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट 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 टी शर्ट है। इसका MRP आपको वेबसाइट पे अभी भी 990 दिखेगा, बट ये बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर में चली हुई है, तो इसलिए ये मुझे आई थिंक 400 समथिंग की पड़ी थी, अलग से इसका प्राइस देखे तो। और इसका कपड़ा भी बहुत बहुत अच्छा है, ये मैंने XL में ली क्योंकि मुझे बैगी सा लुक चाहिए था, एंड आई लव दिस, आई रियली लव दिस, और इसका मटेरियल सब कुछ बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट टॉप जो है वो है ये पर्पल कलर का टॉप, ये बहुत क्यूट लगता है, ये मैंने अपने बर्थडे पे भी पहना हुआ था। इसमें सब कुछ अच्छा है, इसका निटेड सा वर्क है, हल्का सा निटेड सा वर्क टाइप है इसका, और इसका डिज़ाइन भी अच्छा, और कलर भी ये जो लेवेंडर सा कलर है ये भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस हल्का सा डीप नेक है, बाकी इट लुक्स वेरी क्यूट। नेक्स्ट इज दिस टॉप, ये आपको देखने से ही पता लगेगा, इसमें रिब्ड सा रिब्ड काइंड ऑफ मटेरियल है, और ये जो है समर के लिए बहुत ही अच्छा है, कैजुअल लुक के लिए बहुत अच्छा है। ये आई थिंक मुझे 300 समथिंग का पड़ा था, और ये सारे जो टॉप है मुझे ये लगभग 300-400 समथिंग के पड़े थे, पर ये वाला इसका लुक बहुत अच्छा आता है, ये बहुत कैजुअल है, टी शर्ट की तरह है, टॉप एंड टी शर्ट की तरह है, और इसका कलर बहुत प्यारा है, एंड रिब डिज़ाइन है, लूज फिट है, रिलैक्स्ड फिट है, और इसमें कलर्स बहुत सारे अवेलेबल है, मतलब आई थिंक 7-8 कलर्स है इसमें जो अवेलेबल है। नेक्स्ट इज दिस टाई डाई टी शर्ट,
आई एम सॉरी, ये थोड़ी सी रिंकल्ड है, पर ये जो टाई डाई टी शर्ट्स हैं, मुझे काफ़ी टाइम से एक टाई डाई टी शर्ट अपने क्लॉजेट में चाहिए थी, तो मैंने ये ऑर्डर की। आपको इसमें कलर ऑरेंज भी मिल जाएगा, येलो भी मिल जाएगा, ब्लैक भी मिल जाएगा, तो मुझे एक ब्लू टाइप ऑफ टाई डाई टी शर्ट चाहिए थी। और जैसे इसमें ये डिज़ाइन है, आपको इसके बदले और भी बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। ये भी मुझे 300 समथिंग में पड़ी थी, आई थिंक बहुत अच्छा उस टाइम, आई थिंक अंडर 399 ऑफ़र कुछ चला हुआ था, तो आप भी जब कुछ ऐसा ऑफ़र चले तो आप ले लें। नेक्स्ट हम आते हैं इस जैकेट पे, जो कि एक शैकेट काइंड ऑफ है। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी टाइम से ये चाहिए थी, अब तो मैंने बहुत लोगों के पास ये देख लिया, बट इसका जो मटेरियल है ये बहुत अच्छा है। इसको आप समर्स में भी पहन सकते हो, स्वेटर के बाहर से भी एज अ जैकेट पहन सकते हो, विंटर्स में भी पहन सकते हो, समर्स में भी पहन सकते हो, टैंक टॉप के बाहर भी पहन सकते हो, तो ये बहुत वर्सटाइल है। इसको मतलब आप बहुत अलग अलग चीज़ों के साथ ड्रेसअप कर सकते हो। अंदर से ये ऐसा है, बाहर से ऐसा। मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है विंटर्स में, यहाँ पे इवन समर्स में भी मैंने इसको टॉप के बाहर से पहना हुआ है विद ओपन बटन। इसमें हल्का हल्का से मुझे थोड़े से बोर्ड दिख रहे हैं अंदर से, बट ये मैंने उतना बॉदर नहीं करे क्योंकि अंदर से है, बाहर से नहीं है इसमें। आई थिंक आई विल गिव इट 9.5 out of 10, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, कलर भी इसका काफ़ी अच्छा है और इट इज़ सॉफ्ट। दिस स्वेटशर्ट, इसके लिए मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, बिकॉज इसका कलर भी बहुत अच्छा है, इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। एक चीज़ आई विल ऑनेस्टली से कि जो इसका मटेरियल है, ये फ्लीस काइंड ऑफ मटेरियल है, थोड़ा सा चमकीला सा लुक आता है, बट अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है। अ पार्ट ऑफ इट, इसका लुक बहुत अच्छा आता है, दिखता भी अच्छा है, मतलब बहुत प्रैक्टिकल है, आप इजीली बस जीन्स के ऊपर से इसको डाल सकते हैं। इसका लुक बहुत अच्छा था, आई थिंक ये मुझे 700 समथिंग में पड़ा है, बट इसमें हल्का सा ये, आई थिंक मैं इसको पहन के एक बार सो गई थी बिकॉज आई वॉज समवेयर एल्स, तो इसमें हल्के से बुराने शुरू हो गए हैं, बट उतने नोटिसबल नहीं है। बट आई विल से यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि बहुत अच्छा लुक आता है इसका, ऑफ वाइट जीन्स के साथ तो और भी अच्छा लगता है। सो दैट वॉज ऑल ऑफ द परचेज जो भी मैंने आज तक अर्बेनिक से लिया है। मेरा अर्बेनिक के साथ एक्सपीरियंस अच्छा इसलिए बिकॉज अर्बेनिक पे ऑप्शंस बहुत सारे, थोड़ा सा प्राइसी है आई नो, बट कूपन्स लगाने के बाद आपको ये नॉर्मल वर्थ इट प्राइस में ही मिलेंगे, एंड आई वुड रिकमेंड, बट एक बार रिव्यूज़ चेक करें। और एक मैं बात कहना चाहती हूँ, अर्बेनिक का मटेरियल जो है बहुत अच्छा आता है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है आज तक, एंड यहाँ पे बहुत ट्रेंडी लुक्स आते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अपनी वाइड लेग जीन्स दिखाई थी, वो मैंने हर साइट पे चेक की, H&M पे, ज़ारा पे, फॉरएवर 21 पे, बट किसी पे अनअवेलेबल थी, किसी में कुछ साइज़ इशूज़ था, इवन ऑफ ड्यूटी पे भी मैंने चेक किया था, बट फिर जैसे मैंने अर्बेनिक खोला, वहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑप्शंस थे वाइड लेग, स्ट्रेट लेग, ब्लैक जीन्स की। सो आई वुड से जस्ट गो फॉर इट बिकॉज इट लुक्स अमेजिंग, and do let me know if you have any question. So keep watching, bye.